लीजिए कि ये लो है जो कि बालू से आगे तक जा रही है, और अगर इसका अपर देख लें हम, तो अपर जलाइए तो अपर देख लीजिए तो भाई आदमी सामने वाला अंधा। ठीक है, सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। और गाइस चलिए मैं आपको पल्सर 125 का आगे का जो हेड लैम्प है, ठीक है, हैलोजन लैम्प आपको पता है वो आता ही, लेकिन इसकी विजिबिलिटी कितनी है, ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर के देख लेते हैं। जो है मैं वहाँ आपको दिख रहा होगा यहाँ से अंधेरा, ठीक है, और यहाँ से जो है वहाँ पे विजिबिलिटी आपको मैं दिखाता हूँ चल करके कि कैसे क्या है। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पे इंजन लाइट आ रहा है, और अभी मैंने यहाँ से इसको बटन को ऑन किया है। अब मैं यहाँ पे सेल्फ लेने चल रहा हूँ, तो पहले न्यूट्रल कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ये न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल की लाइट आपको दिख गई होगी। अब मैं यहाँ पे सेल्फ लूँगा और आपको प्रकाश जो दिख रहा है वहाँ पे एकदम लास्ट में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे इसके बाद में मैं अब यहाँ पे सेल्फ ले रहा हूँ, तो ये देखिए मैंने सेल्फ लिया, और सेल्फ लेने के बाद में वहाँ तक आपको जा रहा है विजिबिलिटी। अब इसके बाद में जो है अब ये विजिबिलिटी देखिए यहाँ तक आपको लाइट जा रही है। अब मैं यहाँ पे इसको जो है फोकस जो है यहाँ पर दूर का कर रहा हूँ, ठीक है, ये दूर वाला कर दिया, तो दूर वाला देखिए कहाँ तक जा रहा है, जहाँ पे गाड़ी टर्न हो रही है, ठीक है, वहाँ तक इसकी विजिबिलिटी है, और ये मैंने कम कर दी, ठीक है। तो ये चीज़ थी यहाँ पे इस तरह से। सो दोस्तों ये आपको दिख रहा है यहाँ पर जो अपर है वहाँ तक जा रहा, ये अपर है, ठीक है, ये अपर यहाँ तक जा रहा है आपको दिख रहा होगा, और ये डिपर है, ठीक है, डिपर जो बालू रखा हुआ है वहाँ तक जा रहा है। आपको मैं दिखा दूँ कि ये देखिए ये जो बालू है यहाँ तक जा रहा है, और यहाँ पे जब मैं अपर इसकी जलाता हूँ तो अपर की लाइट जो है सीधे जो वहाँ पे लास्ट वाला कॉर्नर है वहाँ तक जा रहा है इसकी विजिबिलिटी। तो विजिबिलिटी ठीक है, अदरवाइज़ आप चाइना का जो नाइट आई आता है उसको आप लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, और काफ़ी अच्छी चीज़ ये है कि मैं हमारे साथ में यहाँ पे RTR 164 वॉल्व खड़ी है। अब इसकी भी एक बार विजिबिलिटी हम चेक कर लेते हैं कि कैसी आती है। तो मैं यहाँ पे अपनी गाड़ी बंद करने जा रहा हूँ, और भाई साहब की यहाँ पार्किंग है, और यहाँ पे ये क्या है, ये अभी नॉर्मल है वो जल रहा है, DRL जल रहा है ना। अब आप गाड़ी स्टार्ट करिए, और गाड़ी स्टार्ट करने पे हम पहले अपर गिरा दीजिएगा, ठीक है, ये क्या है, लोअर हाई है, लो है ये, अच्छा। तो गाइज आप देख लीजिए कि ये लो है जो कि बालू से आगे तक जा रही है, और अगर इसका अपर देख लें हम तो अपर जलाइए तो अपर देख लीजिए तो भाई आदमी सामने वाला अंधा, ठीक है, अब क्या कहें, ठीक है। फिलहाल ये हाथी है, मेरी बकरी के बच्चा है, तो ये समझने की कोशिश करिए, ये 160 सीसी फोर वॉल्व अपाचे है, ठीक है, और मेरी 125 है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कंपैरिजन कि ये इस तरह से दिखती है चीज़ें, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और ये देखिए किस तरह से ये यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए ये है सारा चीज़ इसका, मीटर कंसोल जो कि दिखता है यहाँ पर, और ये अपर इनका जल रहा है, वो सामने वाली जो बिल्डिंग है पिंक वाली लेफ्ट में वो आपको दिख रहा है, और इसका लोअर जो है अभी दिखा दें, तो लोअर करिए सेंटर में रख के, तो ये लोअर है, तो दोनों ही चीज़ बड़ी खतरनाक, और ये DRL है, ठीक है, तो DRL से भी आप खाली काम चला सकते हैं, इतना तो है ही है, ठीक है, और ये लो है और उसके बाद में ये हाई है, तो भाई दोनों ही तगड़ी वाली चीज़ें हैं, ये आपको सामने दिखती हुई नज़र आ रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दीजिए अतुल को इजाज़त, टिल देन गुड बाय।